नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सावन मास में जगह जगह जहां धार्मिक आयोजन चल रही है, भगवान शिव की आराधना की जा रही है, तो वहीं कांवड़ यात्राएं भी निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रहटी नगर की महिलाओं ने भी बरसते पानी में भगवान भोलेनाथ के जय घोष के नारों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली। नगर की सैकड़ों महिलाएं रहटी की जीवनधारा भब्बर नदी पहुंची और यहां से कांवड़ में जल लिया। महिलाओं ने इस जल को पुराने बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का इसका अभिषेक किया। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप एवं भगवान शिव के भजन के साथ हर हर महादेव के जय घोष भी लगा रही। कांवड़ यात्रा भब्बर नदी से जल लेकर हनुमान चौक पहुंची, जहां पर कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसके बाद कांवड़ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। यहां पर भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद महाआरती भी की गई। कांवड़ यात्रा में नगर की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। रहटी से खबर समय जगत के लिए बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।